नमस्कारम फ्रेंड, आज मैं आपके साथ पालक पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी टेस्टी ये रेसिपी जल्दी से बन जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पालक ली है, पालक को अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। पालक में बहुत सारी मिट्टी लगी होती है तो उसे धोना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। और अब इसे मैं मिक्सी जार में ले लूँगी और उसे अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। पालक है वो मिक्सी में अच्छे से क्रश हो चुकी है, अच्छे से पीस चुकी है। तो अब लेंगे हम गेहूं का आटा। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ पालक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम मूंगफली का ऑयल इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी है वो एकदम फूली फूली सी बने। तो अब हमने डो तैयार कर लिया है। डो को हम 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। तो डो बनके तैयार हो चुका है। 10 मिनट के बाद हम इस तरह से इसकी एक बड़ी सी मोटी सी रोटी बना लेंगे और इसको चाकू की मदद से इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से हम सभी पूरियों को तैयार कर लेंगे। तेल को मैंने पहले ही गरम करके रख दिया था, तो यहाँ पे सभी पूरी को मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं कि सभी पूरियाँ अच्छे से फूल चुकी हैं। तो बस पूरी को उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो हमारी पालक पूरी बनके तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।